तो हेलो दोस्तों डीसी मोबाइल सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज एम के बारे में कुछ बातें आपको बतानी थी पहले मैंने इसका रिव्यू कर दिया दूसरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जाके ईज़िली आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं तो जब मेरे पास टूल आया था तब मैंने आपको इसकी वीडियो इसकी खासियतें बता दी लेकिन यूज़ करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं और वो मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे पे जो लोग आते हैं जो एम वगैरह मांगते हैं तो मैं उनको जो है इसके बारे में बता देता हूँ लेकिन मैंने सोचा कि चलिए जो लोग मेरे पास आ रहे हैं उनको तो मैं बता दूँगा लेकिन और लोगों तक मेरी बात कैसे पहुँचेगी इस वजह से दोस्तों ये मैंने वीडियो बना दी है और क्या है उसमें कमी वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना दबा देना बैलाकन को ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच गई और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा देखिए आप कहीं से भी अगर सामान परचेज़ करते हैं मेरा कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं है आप कहीं से जहाँ आपका मन करे वहाँ से आप जो है परचेज़ कर सकते हैं या आप क्योंकि आप स्वतंत्र हैं इसके लिए लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको ऐसी जगह से परचेज़ करना चाहिए सामान जो कि आपकी आप कहीं फंस रहे हैं तो आपकी जो है हेल्प कर सके कई बार ऐसा होता है दोस्तों मैंने ऐसे बहुत से लोगों के सेटअप वगैरह करवाए हैं क्योंकि वो लोगों की समझ में नहीं आ रहा था उन्होंने कहीं से भी जो है सामान वहाँ से परचेज़ कर लिया और उसके बाद वो सामान उनको देने के बाद, देने के बाद उनका जो है कुछ भी हाल नहीं पूछा जा रहा था लेकिन देखिए जो हमारे कस्टमर हैं उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि कमेंट में आप बता सकते बता देंगे कि क्योंकि उन लोगों को इस बारे में जानकारी मिले कि हमारे यहाँ से आपको प्रोडक्ट लेने के बाद आप संतुष्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं ठीक है थीके? आप कमेंट जरूर करना जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं ठीक है थीके? तो दोस्तों एमएसटी में क्या है प्रॉब्लम वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना दबा देना बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके अगर आपको अच्छा लगे कि आप कोई प्रोडक्ट वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है व्हाट्सएप नंबर है जाके ईजिली वहाँ पर परचेस कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है तो दोस्तों एम में देखिए एम एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है बहुत ही सस्ता टूल है ठीक है इक्कीस सौ रुपये के करीब में है आज का रेट आगे आने वाले समय में बढ़ जाए घट जाए वो मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन आज जो मैंने वीडियो ये बनाई है आज के टाइम पे इक्कीस सौ रुपये का टूल है टूल बहुत ज़बरदस्त है मीडा है क्वालकॉम है क्रेड भी इसके सस्ते हैं सस्ते क्रेड में कर देता है सैमसंग भी है इसमें लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी विंडोज़ जेनविन है आपकी विंडोज़ जेनविन है तो आप इस टूल को परचेज़ करें अन्यथा ना करें क्योंकि कई बार क्या होता है कि टेक्नीशियनों के पीसी में दिक्कतें आती रहती हैं वो क्रैक व्रैक यूज़ करते रहते हैं तो पीसी में प्रॉब्लम्स जो है आती रहती हैं प्रॉब्लम्स आने के बाद विंडोज़ हमें दोबारा करनी पड़ती है कंप्यूटर को फॉर्मेट करना पड़ता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है उसकी हार्डवेयर आई जो है चेंज हो जाती है लेकिन ये दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके हार्डवेयर आई डी ही चलता है आपकी ई मेल आई डी पर ई मेल से या फिर आपकी यूज़र आई से लॉग नहीं होता है आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर आई से ही ये चलता है अगर आपके कंप्यूटर की हार्डवेयर आई चेंज हुई तो आपका ये जो है ख़त्म हो गया है आपका एम और उसके बाद आपको जो है नया परचेज़ करना पड़ेगा ये मुझे इसका बहुत ही बड़ी कमी लगी इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ ठीक है लेकिन इसमें देखिए आपका ई टूल फ्री है आपका एम के है कॉलकॉम है सारे टूल बहुत ही ज़बरदस्त टूल है बट लेकिन इसमें यही कमी है कि हार्डवेयर आई डी चलता है तो इस वजह से ही जो है ये मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि हमारा जो आपका काम है वो इतना मतलब हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कुछ दिनों बाद जो है विंडो करप्ट हो जाती है अगर आपके पास विंडोज़ जेनविन है तो आग बंद करके इस टूल को परचेस कर लो क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है टूल बहुत ही ज़बरदस्त है लेकिन जिनको विंडोज़ बार बार कंप्यूटर अपना फॉर्मेट करना पड़ता है तो वहाँ पर आप जो है थोड़ा सा बजट और बढ़ा के यू ले सकते हैं अगर आप रिन्यूवल वाला नहीं लेना चाहते जिससे रिन्यूवल वगैरह हो एक साल का तो आप सीधा जी एस शील्ड की तरफ जा सकते हैं या एक्वा डोंगल की तरफ जा सकते हैं इस समय बहुत ही ज़बरदस्त डोंगल हैं और लाइफ टाइम फ्री हैं और इनका जो है ई टूल भी फ्री है थोड़ा सा पैसे आपके ज़्यादा लग जाएंगे लेकिन आप जो है संतुष्ट हो जाएंगे ठीक है और आप कितने भी पीसी में जो है इसे यूज़ करते हैं लेकिन इन एम एस को आप एक ही पीसी में यूज़ कर सकते हैं आप डोंगल वाले को जो है किसी में भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है और भी हैं रजिस्ट्रेशन वाले टूल हैं उनको जो है आप अलग अलग पीसी में जो है यूज़ कर सकते हैं ई टूल हुआ या फिर और भी जो टूल हैं अनलॉक डॉट टूल अनलॉक टूल डॉट नेट हुआ वो भी जो है आपके पीसी में कई पीसी में जो यूज़ कर सकते हैं तो ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी तो मैंने ये आपको जो है लोगों को बता दिया आई होप आपकी चीज़ें समझ में आ गई होंगी मैं इस टूल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ टूल सही है लेकिन आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि आपका पी जो है वो जेनविन है या फिर आप जो है पायरेट मैं जहाँ तक जानता हूँ जो भी टेक्नीशियन भाई हैं सारे पायरेट्स विंडो यूज़ करते हैं और इंडिया के अंदर नाइन्टी परसेंट होती भी पायरेट विंडो ही यूज़ हैं ठीक है तो वहाँ पे आपकी हार्डवेयर आईडी चेंज हो जाएगी जब आप अपने पीसी को फॉर्मेट करेंगे तो ये दोस्तों ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी ताकि आप लोगों तक ये बातें पहुँचा सको क्योंकि जो मेरे व्हाट्सअप पर लोग आते हैं मैं उनको ये बता देता हूँ कि आप इसकी जगह डोंगल वगैरह परचेज़ कर लो थोड़े से पैसे और इन्वेस्ट करके लेकिन ये बातें शायद जो आप लोग हैं इन सब लोगों के पास नहीं पहुँच पा रही थी ये वीडियो इसलिए बनाई तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना दबा देना बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और कोई डोंगल बॉक्स या फिर कोई टूल टेंसिल्स वगैरह परचेस करनी हो डिस्क्रिप्शन में भेजे जाएगा व्हाट्सएप करो और आप ईज़िली परचेज कर सकते हैं